गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए MA सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनिट 3 से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है PC रॉय, जिसे हम प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम अपने विषय में के अंतर्गत PC रॉय के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। तो बिना समय गवाए हम PC रॉय अर्थात प्रफुल्ल चंद्र राय, जो कि एक महान रसायन शास्त्री थे, उन पर प्रकाश डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि समाज सेवा, स्वराज, अस्पृश्यता के अंत आदि अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहते हुए समाज सेवा, देश सेवा, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन, स्वराज एवं प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के पोषण में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके अभूतपूर्व योगदानों के कारण उन्हें भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी सम्मानित किया गया। वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन को हम देखेंगे। आधुनिक काल के प्रमुख रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म पूर्वी बंगाल के खुलाना जिले के रुलौनी गांव में हुआ था। यहां हरिश्चंद्र राय के यहां 2 अगस्त 1861 ईस्वी को PC राय अर्थात प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र राय स्वयं एक शिक्षित व्यक्ति थे और वे एक स्कूल को चलाते थे। प्रफुल्ल राय भी की भी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के ही विद्यालय में प्रारंभ की। अरबी, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता हरिश्चंद्र राय उस समय के समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर से काफी प्रभावित थे और उन्होंने अपने सुपुत्र प्रफुल्ल चंद्र राय को भी काफी अच्छे संस्कार दिए थे। प्रफुल्ल बचपन से ही काफी मेधावी छात्र रहे थे। वे न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि से भी काफी प्रभावित थे तथा नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करते थे। 9 की आयु में जब 1870 ईस्वी में कलकत्ता के स्कूल में जाना प्रारंभ किया, प्रारंभ से ही वे सामान्य बच्चों से अलग रहकर पढ़ाई करते थे। वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र उन्हें काफी प्रभावित करते थे। जब उन्होंने अंग्रेजी द्वारा वर्णित पुस्तक में 1000 महान लोगों की सूची में सिर्फ एक भारतीय जो राजा राममोहन रॉय थे उनका नाम देखा तो उन्हें भी महान बनने का संकल्प किया। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने FMA पढ़ाई शुरू की। उसी समय रसायन विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ने लगी। साथ ही वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र के व्याख्यान भी सुनने जाते थे। रसायन की जो भी पुस्तकें उन्हें मिल जाती थी वे उन्हें पूरी तरह से पढ़ लेते थे। जब वे छात्रावास में रहने लगे तो उन्होंने अपने कमरे में एक छोटी प्रयोगशाला बना ली। 1882 ईस्वी में एक छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त की
और इंग्लैंड के एडिनबरा यूनिवर्सिटी में उनको प्रवेश मिल गया। यह समाचार उस समय स्टेट्समैन में छपी थी। प्रफुल्ल चंद्र राय परिवार से अनुमति लेने गांव गए। उस समय गांव की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी गिर गई थी। माता को हिम्मत देकर वे लौटे कि गांव की बिकी हुई जमीन वे वापस खरीद देंगे। एडिनबरा यूनिवर्सिटी में पीसी राय ने प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ब्राउन के निर्देशन में कार्य प्रारंभ किया। उनके लेख निरंतर छपते रहे और 1885 ईस्वी में उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने न केवल अंग्रेजी रसायन शास्त्रियों से परिचय बढ़ाया वरन जर्मन वैज्ञानिकों के भी संपर्क में आए। वे जेसी बासु से भी मिले। प्रफुल्ल ने कच्ची धाती के विषय में शोध कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1888 में उन्होंने अकार्बनिक रसायन पर डीएससी की उपाधि हासिल की। 1887-88 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी की सोसाइटी ने अपना उपाध्यक्ष चुना। प्रफुल्ल चंद्र राय ने विज्ञान में ही नहीं राष्ट्रवादी विचारों से भी वहां रह रहे भारतीयों को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपने लेख लंदन से सभी प्रमुख अखबारों में छापते और लोगों को बताते कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से लूटा है और भारतवासी कैसी यातनाएं झेल रहे हैं। पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई पूरी करने के बाद एकांत प्रिय प्रफुल्ल को भारत की याद सताने लगी। वे भारतीय शिक्षा सेवा में जाना चाहते थे, पर उन दिनों भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। अतः उन्होंने 1889 ईस्वी में कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार कर ली। उनका वेतन 250 रुपए महीना था, पर वे पूरी निष्ठा और लगन से ना सिर्फ अध्यापन करते रहे वरन शोध और अन्वेषण में भी लगे रहे। वे मातृभाषा में ज्ञान प्राप्ति पर जोर देते थे। छात्रों को वे उदाहरण देते थे कि रूसी वैज्ञानिक दिमित्रिव मेंडलीफ ने विश्व प्रसिद्ध तत्वों का पीरियोडिक टेबल रूसी में प्रकाशित कराया। प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने कुशल अध्यापन से मेघनाथ शाह जैसे रसायन शास्त्री तैयार किए। 1894 में पीसी राय ने सबसे पहले खोज में मर्क्यूरस नाइट्रेट को प्रयोगशाला में तैयार किया। इस कार्य अथवा खोज के कारण प्रफुल्ल चंद्र राय विश्व के श्रेष्ठ रसायन शास्त्रियों में शुमार हुए। बंगाल सरकार ने प्रसन्न होकर यूरोप की तमाम प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए उन्हें चुन लिया। उनका यूरोपीय दौरा काफी प्रशंसनीय रहा। इससे उन्हें अनेक कई जानकारियां प्राप्त हुई। प्रफुल्ल चंद्र राय अपने कार्यों का सीधा प्रयोग जन साधारण के लिए करना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय जीवन रक्षित दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। उन्होंने औषधि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और मात्र 800 रुपए की पूंजी से प्रयोगशाला में कार्य शुरू किया। घर पर उन्होंने जानवरों की हड्डियां जलाकर शक्तिवर्धक फास्फेट ऑफ कैल्शियम तैयार किया। ये कारखाना धीरे धीरे आगे बढ़ा और 1900 ईस्वी तक ये कारखाना काफी बड़ा कारखाना बन गया। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क के नाम से ये आज भी प्रतिष्ठित है। अपना संपूर्ण जीवन लगाकर पीसी राय ने इसे 1902 में लिमिटेड संस्थान में परिवर्तित कर दिया।
तथा अपने हिस्से का लाभ उन्होंने एक ट्रस्ट को सौंप दिया। उन्होंने अनेक जड़ी बूटियों से दवा तैयार करने के फॉर्मूले तैयार किए जो काफी सफल रहे। पीसी राय को यह बात बहुत तकलीफ देती थी कि बंगाली नवयुवक पढ़ लिख कर नौकरी के लिए यहां वहां मारे फिरते हैं। उन्होंने रसायन उद्योग विकसित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उन रासायनिक चीजों का प्रयोग शुरू किया जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते थे। कलकत्ता पोल्ट्री वर्क्स, बंगाल एनिमल वर्क्स, जहाज रानी कंपनी आदि की स्थापना में पीसी राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे प्रयोगशाला में अमोनिया नाइट्रेट के यौगिक आदि में लगे रहे। उनकी सफलता ने विश्वविख्यात रसायन शास्त्री विलियम जेम्स बर्थलेट आदि को दांते तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। प्रफुल्ल चंद्र राय का एक प्रमुख कार्य प्राचीन भारतीय ज्ञान को जनता के सामने लाना था और उसे जनउपयोगी बनाना था। सबसे पहले उन्होंने नागार्जुन के ग्रंथ पर एक लेख लिखा जिसकी व्यापक सराहना हुई। इसके बाद प्राचीन कालीन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय हिंदू रसायन शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। 1902 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक के ने तहलका मचा दिया। इस पुस्तक से यह साबित हो गया कि 13वीं और 14वीं शताब्दी तक भारत ज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे थे। प्रफुल्ल इतने में भी नहीं रुके। उन्होंने 1908 में एक दूसरा खंड प्रकाशित किया। ये पुस्तक 1956 ईस्वी में भारतीय केमिकल सोसाइटी द्वारा दोबारा पब्लिश की गई। इसका अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। दिरहम विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक के लिए उन्हें डीएससी की उपाधि अर्थात डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि दी। अनेक लोगों ने प्रफुल्ल चंद्र राय को वैज्ञानिक कम जनसेवक अधिक मानते थे। जब भी देश में कोई आपदा आती थी तो प्रफुल्ल प्रयोगशाला छोड़कर आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत आदि कार्यों में संलग्न हो जाते थे। 1922 ईस्वी में जब भयंकर अकाल पड़ा तो वे पीड़ितों की सहायता हेतु लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रारंभिक दिनों में प्रफुल्ल के मार्गदर्शन में कार्य किया था। पीसी राय को स्वदेशी से बड़ा प्रेम था। चरखा और खादी से प्रेम करने वाले प्रफुल्ल दान, देशभक्ति, समाज सुधार में भी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक संगठनों की भी स्थापना की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी पीसी राय की प्रशंसा की है। उन्होंने उनकी प्रशंसा में लिखा है कि उपनिषदों में लिखा है कि मैं एक होकर भी अनेक हो सकता हूं। इस तथ्य को प्रफुल्ल बाबू ने चरितार्थ कर दिया। वे लाखों हृदयों में विद्यमान है। अर्थात हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कई कामों को करने वाला बताया है और ये कई लोगों के बीच में इनका उपस्थिति को दर्शाया है। सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रफुल्ल चंद्र राय समय अनुसार वरिष्ठ प्रोफेसर बन गए। जब इन्होंने 1911 में अवकाश प्राप्त किया तो महान शिक्षाविद आशुतोष मुखर्जी के कहने पर नवसृजित महाविद्यालय कलकत्ता में नियुक्त हो गए। उनके शोध छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। उनके शोधों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई। आगे चलकर उन्होंने अपने वेतन को विश्वविद्यालय को दान कर दिया। इस प्रकार से हमने प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन, उनकी उपलब्धियों
और उनके कार्यों का सूक्ष्म अवलोकन किया। अब हम इनका निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रफुल्ल चंद्र राय न केवल एक महान वैज्ञानिक रसायन शास्त्री थे, बल्कि उनके हृदय में मानव सेवा, समाज सेवा, उसके साथ साथ अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति लगाव, साथ ही साथ वे अस्पृश्यता के अंत आदि पर भी विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने स्वराज, अस्पृश्यता उन्मूलन आदि विषयों को काफी गंभीरता से लिया और आजीवन अविवाहित रहते हुए न केवल देश के लिए कार्य किया, बल्कि 6 जुलाई 1944 को जब उनका देहांत हो गया तो अपने मृत्यु के पूर्व तक वे निरंतर शोध कार्यों में और देश सेवा के एवं समाज सेवा के कार्यों में संलिप्त रहे। उनके इन्हीं कार्यों के कारण उन्हें भारत ही नहीं यूरोप के कई विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित भी किया गया। यह प्रफुल्ल चंद्र राय की विशेषता ही कही जा सकती है कि इन्होंने काफी लोगों के हृदय में अपना सजीव चित्रण प्रस्तुत किया और लोगों को इनसे काफी ज्यादा प्रेरणा भी प्राप्त हुई। इस प्रकार हम अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पीसी राय जैसे प्रखर व्यक्तित्व को जानने के बाद आप भी इससे प्रेरित अवश्य हुए होंगे। तो आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। इस मूल मंत्र के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। फिर से मैं अगले क्लास में आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।